बर्बाद करेगा, अगर तुम न करोगी तो बर्बाद करेगा, अगर तुम न करोगी तो बर्बाद करेगा, अगर तुम ना सुनोगी तो मेरी आज सुनेगा शरीर से ऐसा जाम हो जाए, you
भगवान की, टीकरी सरकार की। बाल संत महाराज की। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, कल हम सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया, और उसके बाद विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण को लेकर अब जनकपुरी के पास पहुंच गए, तो आइए उसके आगे कथा को का श्रवण करते हैं। हरसी चली मुनि बृंद साया, हरसी चली मुनि बृंद साया, बेगी विदेह नगर नीराया, बेगी विदेह नगर नीराया, रामचंद्र जी, विश्वामित्र जी तथा लक्ष्मण जी के साथ अब आगे तो जाने लगे, और वो इस तरह कहां पर पहुंच गए थे, तब भी प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ अब जनकपुर की जब बिल्कुल निकट पहुंच गए, तो दूर से ही दोनों भाई जनकपुरी की सुंदरता को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, मोहित हो गए। और प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, अब देखिए जनकपुर में जनकपुर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जनकपुर में एक पुष्प वाटिका है, और जनकपुर में सदैव उस पुष्प वाटिका में सदैव कोयल तोते आदि पक्षी भी की वाणी बोलते रहते हैं। वहां का जल, जनकपुर का जल तो मानो अमृत था, और इस प्रकार राजा जनक की उस जनकपुरी को देखकर दूर से ही देखकर राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। सज्जनों माताओं, मामा तुलसी ने जितना अयोध्या पुरी की शोभा और सुंदरता का वर्णन नहीं किया, उतना उन्होंने जनकपुरी की शोभा और सुंदरता का वर्णन किया। जनकपुर के बाजार, नगरवासी, व्यापारी, भवन, रास्ते, इन सब का बड़ा सुंदर चित्रण मामा तुलसी ने किया है। तदुपरांत अब इसके बाद जैसे ही विश्वामित्र जी ने एक सुंदर आमों का बगीचा देखा, तो उस आमों के बगीचे को देखकर वे राम जी से कहने लगे कि हे राम, मेरा मन कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए यही रुक जाएं, थोड़ा विश्राम कर लें। तो राम जी बोले, अच्छी बात है गुरुदेव, अब भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अब थोड़ी देर वहीं विश्राम करने लगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से श्री राजा जनक को ये पता चला कि मुनि विश्वामित्र पधार चुकी है, तो तुरंत गए और मुनि विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत वंदन किया, उनका आदर सत्कार किया। उसी समय वहां पर राम और लक्ष्मण भी आ गए,
जो कि कुछ समय के लिए पुष्प वाटिका देखने के लिए गए हुए थे। और प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही दोनों राजा जनक के पास लौट कर आए, मुनि विश्वामित्र जी के पास जैसे ही लौट कर आए, तो और जैसे ही राजा जनक ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखा तो अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि ही खो गए और राम जी को ही देखते रहे। फिर कुछ समय पश्चात अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए वे कहने लगी कि हे नाथ, हे मुनिवर, आप कृपया बताइए कि ये दोनों राजकुमार किस राजवंश की कुलभूषण है, या फिर ये कोई युगल स्वरूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, कोई देवता है? आप हमें ये बात बिल्कुल सच सच मुझे बताइए, इनका परिचय कराइए। तो विश्वामित्र जी बोले कि राग कोल मणि दस रत की जाई, राग कोल मणि दस रत की जाई, मोहित लागि नरेश पठाए, नरेश पठाए, नरेश पठाए। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, विश्वामित्र जी बोली कि ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका एक सुंदर सा जोड़ा है, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे आश्रम में आई हुई थी। तो जब आपने जब हमको बुलाया जानकी की स्वयंवर के लिए, तो हमने सोचा कि हम इन दोनों को भी ले जाएं, ये भी जनकपुरी देख लेंगे और सीता के स्वयंवर को भी देख लेंगे। तो राजा जनक बोले कि आपने अच्छा किया कि इन्हें भी अपने साथ लिया। और फिर वो राम जी तथा लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को तुरंत उनकी ठहरने की जगह ले गए और बड़ी सुंदर जगह पर उन्हें ठहराया तीनों को। और विश्वामित्र जी की कुछ सेवा करके राजा जनक अपने काम को करने लगे और आगे। तो इधर भैया लक्ष्मण जी का देखो मन क्या कर रहा है। लक्ष्मण जी का मन नगर को देखने का है, क्योंकि वो जब दूर से नगर की सुंदरता को देखकर इतने मोहित हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अंदर से नगर कितना सुंदर होगा। अब ये बात मन में ला लाकर वो बड़ी चिंता कर रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं कि अरे भैया इतना सुंदर नगर तो हम मुझे देखने का ही अवसर मिला, पता नहीं देख पाऊंगा अभी या नहीं। ये बात किसी से वो कह नहीं रहे, विश्वामित्र जी के डर के कारण वो राम जी से बात कह नहीं है। लेकिन राम जी तो अंतर्यामी, मेरे प्रभु श्री राम तुरंत लखन लाल के मन की बात को जानकर तुरंत बोली कि नाथ लखन पर देखन चाही, नाथ लखन पर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कराही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कराही, प्रकट न कराही। प्रभु श्री राम बोले कि हे नाथ, हे मुनिवर, लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, उसका मन कर रहा है, पर वो आपके डर और संकोच के कारण वो ये बात आप मुझसे या आपसे स्पष्ट बिल्कुल नहीं कह पा रहा। इसलिए हे नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम दोनों नगर को जाकर देखा हुई
गुरु विश्वामित्र बोले कि ये मर्यादा का पालन करने वाले राम, हे भक्तों का हित करने और चाहने वाले राम, तुम अवश्य जाओ और जनकवासियों के नेत्रों को सफल अर्थात उन्हें दर्शन दो। जिस प्रकार दोनों भाई तो नगर को देखने के लिए चल दिए, जिस प्रकार दूसरी तरफ जैसे ही नगर के नगरवासियों को ये पता चला कि राम और लक्ष्मण नाम की दो सुंदर राजकुमार नगर को देखने आए, तब वो जो ये बात उस नगर के नरनारियों को जैसे पता चली तो अपने अपने काम काज छोड़कर ऐसे भागे जैसे मानो कोई चरित्री खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा। धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंग कर लेती लूटन। और देखो कुछ युवती स्त्रियां कुछ युवती किशोरियां अपने अपने झनों को से अपने अपने खिड़कियों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की छटा उनके मुख को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है और उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए आपस में बातें कर रही है। देखो क्या बातें कर रही है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, युवती भवन चरो कर लागी निर कही राम रूप अंतर। एक सखी बोली, यदि सखियों देखो इन दोनों राजकुमारों की सुंदरता के आगे तो करोड़ों कामदेव कहीं नहीं लगती। तो इतने में दूसरी सखी बोली, अरे सखी तो इन्हें ढंग से तो देख जरा। तो ढंग से नहीं देखा, देख तो इन दोनों राजकुमारों की सुंदरता के आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहीं नहीं लगते। अब भैया आपस में सखी उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही है कि तभी एक सखी कहने लगी, तभी एक सखी बोली, क्या बोली कि दो दस रथ की ठोटा, दो दस रथ की ठोटा, बाल मरान की खल जोड़ा, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनदायक पानी, नाम राम धन सायक पानी, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सपितास सुमित माता, सुन सपितास सुमित माता, माताओं सज्जनों, अब इस प्रकार वह सखी कहने लगी कि अरे सखियों तुम आपस में क्या बातें कर रही हो, मुझे तो बताओ और उससे पहले मैंने जो सुना है वह तो सुन लो। तुम्हें पता है ये दोनों सुंदर राजकुमार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका बाल राजहंसों का एक सुंदर सा जोड़ा है। ये विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हुए थे, तो ये विश्वामित्र जी के साथ यहाँ भी आए हैं। अब और हे सखियों जो कि आगे आगे चल रहे हैं, उनका नाम राम, हे सखी सुनो उनके माता का नाम कौसल्या है। कौसल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धन सायक पानी, और लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, जो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनका गोरा रंग है, वे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण है। हे सखी सुनो उनकी माता का नाम सुमित्रा,
और इसके बाद सभी एक सखी बोली, मेरी सखियों देखो तो, सोचो इन्हें इनकी छवि को देखकर सोचो तो मन में लाकर कि अगर राजा जनक ने इन्हें देख लिया तो वह तो अपने अपने प्राण को छोड़कर इन्हीं से अपनी पुत्री सीता का विवाह करवाई देगी। तभी एक सखी बोली कि अरे सखी, राजा जनक ने इन्हें देखा, इनका सम्मान तो किया, पर फिर भी पता नहीं क्यों राजा जनक अपना प्राण नहीं छोड़ते। जितने में सयानी सखी बोली कि कौन कहती है, अगर जनक नंदिनी के भाग में अगर यही पर लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। तभी एक सखी बोली, मेरी सखियों ये तो सोचो कि ये दोनों राजकुमार तो कितने कोमल कोमल शरीर के हैं और शिव धनुष तो कितना कठोर है, कितना भारी है, इस शिव धनुष को कैसे उठा पाएंगे। तब भी सयानी सखी बोली कि इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता तुम में से, अरे जिनके चरण रज से हिला कर रही क्या वे शिव जी को धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। जरूर तोड़ेंगे, अवश्य तोड़ेंगे, तुम सब जरूर देखो, अरे जिन्होंने जनक नंदिनी को ही इतनी चतुराई से बनाया है तो ये सांवला वर भी उन्हीं के लिए ही रचा हो। आपस में सखिया उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए उन पर फूलों की वर्षा कर रही है और किस तरह की ही वरसई वरसई सुमन सुमुख सुलोचनी बंद जाए जहाँ यह बंधु दो तह तह परमानंद। तो प्यारी प्यारी माताओं, मानो वह सखियां फूलों की बरसात करके कुछ कहना चाहती, वो ये कहना चाहती है माताओं कि कल तुम दोनों हमको पुष्प वाटिका में मिलना, वहां हम तुम्हें बताएंगे और तुम अपनी सुंदरता अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, कल तुम हमें पुष्प वाटिका में देखना, हमें तुम वही मिलना, हम भी बताएंगे है हम भी ऐसी वैसी नहीं है, हमारे पास भी बहुत अनमोल हीरा है, देखोगे तो अपनी सुंदरता अपनी सारी मतलब जवानी सब भूल जाओ। मानो सखिया ये कहना चाहती है। और उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों ही अब विश्वामित्र जी के पास वापस लौट जाती है और विश्वामित्र जी के पास वापस लौट कर उनसे अब संध्या वंदन करती हैं मुनि विश्वामित्र जी भी तो, और संध्या होने के कारण सभी ने फिर संध्या वंदन किया तो फिर मुनि विश्वामित्र ने प्राचीन कथाएं कही। फिर विश्वामित्र जी जब शयन करने लगे तो राम जी और लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे, देखो कितनी सेवा कर रहे हैं राम जी ऋषि मुनि साधु संतों की, गुरु विश्वामित्र की। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने बुजुर्गों अपने बजे अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भैया अगर सेवा करोगे तो मेवा मिले, है ना, सेवा करोगे तो मेवा मिले। अगर विश्वास नहीं हो रहा अभी देखना, राम लक्ष्मण को भी मेवा मिलने वाला है, अब देखनी अब देखिएगा सभी। इस प्रकार सुबह होती ही अब सबसे पहले उठी लगन ने सीवेगा सुनी अरुण सिखा दुनिकान गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। रात बीत जाने पर और मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर देखी अब सबसे पहले कौन जाए, अरुण सिखा दुनिकान यानी अरुण सिखा मतलब मुर्गा। अब आप लोग ये मन ही मन में सोचते होंगे कि मुर्गे अभी अभी संसार में आए, नहीं सज्जनों माताओं, मुर्गी
इस धरती पर बहुत पहले से, इसीलिए पहले के जमाने में मुर्गी का काम था सबको जल्दी से सुबह उठाना और सब मुर्गे की ही आवाज को सुनकर सब जल्दी उठ जाते थे। और भैया वैसे भी सब जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही अच्छी बात होती तथा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर नहा धोकर ध्यान पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और भैया स्नान भी तीन प्रकार के होते हैं, पहला देवी ऋषि स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान, तीसरा तामस यानी राक्षस स्नान। अब भैया देवी ऋषि स्नान का समय होता है सुबह 4 बजे से पहले का और मनुष्य स्नान का समय होता है 4 बजे से 4 बजे का, या ये समझ लो 4 बजे से 5:30 या 6 के बीच का समय होता है। और राक्षस स्नान का समय होता है 6 बजे के बाद यानी सूर्य उदय के पश्चात। लेकिन भैया मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि अब आप राक्षस स्नान करते हो, देवी या ऋषि स्नान करते हो या फिर आप मनुष्य स्नान करते हो, मुझे तो पता नहीं। पर मैं तो त्रेता युग की बात कर रहा हूँ, उस समय सब लोग मुर्गे की आवाज सुनकर कुड़ू कु सुनकर लोग तो जल्दी से सुबह उठकर ध्यान भजन और नहा धो लेते थे। इसलिए हमें भी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा धोकर पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। लेकिन भैया आजकल के कुछ दुष्ट लोग तो देखो क्या करते हैं, वो मन ही मन में सोचते हैं कि हमें सुबह सुबह तो बहुत मीठी मीठी नींद आती और ये मुर्गा हमारी नींद खराब कर देता है, कुकुड़ू कु कर मर कर। अरे भैया सुबह सुबह तो मीठी मीठी नींद आती है पर ये मुर्गा बीच में आकर नींद खराब कर देता है, तो उन्होंने देखो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने तो मुर्गी को खाना ही शुरू कर दिया। देखो आज कल के कुछ दुष्ट लोग तो क्या क्या कर दे। अब इसके पश्चात अब आइए हम अपनी कथा पर ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार रात बीत जाने पर और मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर सबसे पहले तो कौन जागे, लक्ष्मण जी जागे, फिर जगत के सामने प्रभु श्री राम भी जाग गए। सुबह की सोच क्रिया आदि नित्य कर्म करके दोनों ही ने जाकर गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। फिर मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा से दोनों क्या करने और कहां गए, सामे जानी गुरु आयस पाई, सामे जानी गुरु आयस पाई, प्रसून चले दो भाई, मध्य भाग सरू सोर सुहावा।